बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक परी की हाज़िरी का अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। परी का अमल हर कोई करना चाहता है और ये अमलियात बहुत आसान होते हैं। ये अमल आसमानी परी का अमल है। ये परियों के एक कबीले की रानी है और बहुत ही ताकतवर भी होती है। इस अमल में कोई डर खौफ की बात नहीं है और औरत मर्द दोनों ही इस आसमानी परी के अमल को कर सकते हैं। तो हाजरात, आज हम अमल लेकर आए हैं। इस परी को आप बहन बनाकर रख सकते हैं। ये परी आपका हर काम करती है और हमेशा आपके साथ ही रहती है। ये परी आपको कान में आपके सवालों के जवाब देगी। इस परी की एक ख़ास बात है कि जब आप इसे हाजिर करेंगे तब इससे कॉल करार के वक्त ये वादा ले लें कि ये हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या फिर रोज़ हाजिर होने का वादा ले लें। जो भी आप इससे वादा लेंगे ये उसी तरह हाजिर होगी। आप इस परी को बार बार अलग अलग वक्त में बेफजूल परेशान ना करें, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए आपने जो भी वादा या हो उसी मुताबिक इस परी को बुलाएं, क्योंकि हमने ये अमल हमारे एक आमिल को करवाया। परी हाजिर भी हुई, सारे कॉल करार किए। इन आमिल ने उससे वादा लिया कि वो सिर्फ हफ्ते में एक बार उस परी को बुलाएगा, मगर उन्होंने परी को हर एक दो दिन में बुलाना शुरू कर दिया। इससे परी को परेशानी हुई, इससे परी ने आमिल को नुकसान पहुंचा दिया। उनकी बीवी बीमार हो गई, खुद एक साथ कई लीटर पानी पी जाते थे, 4 से 5 लोगों का खाना एक ही वक्त में खा जाते थे। इस तरह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने हमसे राबता किया, फिर हमने उन्हें आगे उस परी से निजात मिली। तो हाजरात, इस परी का ख्याल रखें। इस परी को बेफजूल परेशान ना करें। जो करार या वादा तय हुआ हो उसी तरह अमल करें। तो हमेशा अमल की इजाज़त लेकर अमल करें, ताकि अगर आप किसी परेशानी में घिर जाएं, मुब्तला हो जाएं, तो हम आपको उससे निजात दिलाने का तरीका बता सकें। इस वीडियो को देखकर अमल को अच्छे से समझें और आसमानी परी को हाजिर करें। इस अमल को आप किसी भी जुमा के रोज़ से शुरू कर सकते हैं। अमल में डर खौफ नहीं है, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। अमल को तन्हाई वाली जगह में करें, नदी के किनारे या फिर तन्हा खाली कमरे में। अमल के दौरान आप अकेले होने चाहिए। आपके सिवा अमल वाली जगह और कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। वैसे अमल में जल्द कामयाबी के लिए आप इस अमल को नदी के किनारे करेंगे तो बेहतर रहेगा। अमल के बारे में किसी को भी ना बताएं। अमल से पहले पाक साफ कपड़े पहनें, किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। क़िबला रुख मुँह करके बैठें। आपको अमल में जन्नतुल फिरदौस का इत्र साथ रखना है। इसको थोड़ा सा आप कपड़ों पर और जिस्म पर भी लगा लें। एक खूबसूरत परी की तस्वीर सामने रख लें। आपको मिट्टी का असली घी का चिराग लेना है। अमल का वक्त रात के 10 बजे से 12 बजे का है। 2 घंटे तक आपको अमल करना है। अमल में क्या पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये इतना पावरफुल अमल है, पहले दिन के अमल से ही आपको आपके पास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लग जाएगा। आपके आसपास की चीज़ें हिलने लग जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये आपको नज़र आए, बातें करें, तो आप इससे वादा ले लें कि जब भी आप इसे बुलाएं ये आए और आपके कामों में आपकी मदद करें, आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। जब आप अमल करेंगे तो आपके एक हाथ में दूध की मिठाई और दूसरे हाथ में मीठा पान और लौंग होना चाहिए। वैसे ये परी एक दिन में भी हाजिर हो सकती है, 2 दिन में हाजिर हो जाए। जब तक आपके सामने परी की हाज़िरी ना हो तब तक आप रोज़ अमल करते जाएं। 30 दिन के अंदर अंदर परी अलाकुल्ले हाल हाजिर हो जाएगी। जैसे ही परी हाजिर हो आप उसे पहले पान और लौंग तोहफे में दें। वो आपसे पूछेगी आपको क्या चाहिए, तो हमने जो बातें बताई है उसी तरह वादा कर लें। जब तक परी हाजिर ना हो तो रोज़ अमल के बाद मिठाई, पान और लौंग पानी में डाल दें, या दूसरे दिन
पेड़ के नीचे रख दें, ऐसे अलग अलग जगहों पे इनको डाल दें। जुमा के दिन से अमल शुरू करें। अमल के दौरान आपका जहन अमल में होना चाहिए, मोबाइल वगैरह सब स्विच्ड ऑफ होना चाहिए। अगर आपका जहन अमल में नहीं होगा तो अमल में कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। जहन में बस परी की हाज़िरी का तसव्वुर होना चाहिए और आपको परी की हाज़िरी के लिए जो मंत्र है वो स्क्रीन पर बताया जा रहा है। आसमानी परी के पग पायल, छमछम बजाती नाचती आ, सोई हो तो उठकर आ, जागती है तो जल्दी आ। आसमान में उड़े सनसन, मेरा हुक्म नहीं माने तो सालों साल नरक में गिरे, दुहाई लगे मेरे पीर की, हाजिर शो हाजिर शो। आसमानी परी के पग पायल, छमछम बजाती नाचती आ, सोई हो तो उठकर आ, जागती है तो जल्दी आ। आसमान में उड़े सनसन, मेरा हुक्म नहीं माने तो सालों साल नरक में गिरे, दुहाई लगे मेरे पीर की, हाजिर शो हाजिर शो। इस तरह से आपने इस मंत्र को लगातार 2 घंटे तक पढ़ना है। आपको एहसास होने शुरू पहले दिन से हो जाएंगे। जब तक ये आसमानी परी आपके सामने हाजिर ना हो, आप रोज़ इस अमल को करें। और हाँ, मिट्टी के चराग को रोज़ धोकर ही वापस उसमें घी डालकर लगाएं। 30 दिनों के अंदर ही आपको परी की हाजिरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये आपको पैसा, दौलत, घर, काम, दुकान सब कुछ अता करेगी। तो दोस्तों, आपको आज का अमल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इल्म के इजाफे के लिए और ऐसे प्यारे अमलियातों के लिए इस YouTube चैनल इस्लाम वाले को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार फिर से इजाज़त चाहेंगे आज आपसे। खुदा हाफिज़।